सब्सक्राइब कीजिए मार्केट माएस्ट्रो चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारे सारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल जाए। एक काफी इंपॉर्टेंट अपडेट यहां पर सामने आ रहा है एसबीआई म्यूचुअल फंड के तरफ से, और उन्होंने यहां पर लगभग अपने 20 स्कीम्स के नाम जो है वो यहां पर चेंज कर दिए हैं। तो ये ऐसा क्यों हुआ? सबसे पहले तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने यहां पर आपको पिछले अक्टूबर में ये बताया था कि सेबी ने अपना एक नया सर्कुलर लाया है और वो सर्कुलर में उन्होंने रिकैटेगराइजेशन किया है, जो म्यूचुअल फंड की कैटेगरी होती है उसे पूरा का पूरा यहां पर चेंज कर दिया और उसका एक रिकैटेगराइजेशन किया, जिसके कारण से हमको ये देखने को मिल रहा है काफी सारे नाम जो है वो चेंज हो रहे हैं उनके उस सर्कुलर के अकॉर्डिंग, जो अक्टूबर में हमने आपको सबसे पहले बताया था कि अगले 3 से 5 महीने में आपको सारे के सारे लगभग बहुत सारे फंड्स के जो नाम है वो यहां पर चेंज होने वाले हैं और ये होने वाला है। तो यहां पर अगर हम बात करें डीएसपी म्यूचुअल फंड की, या हम बात करें मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड की, जिसके बारे में हमने आपको ऑलरेडी बता चुका है, अभी रिलायंस का भी एक अपडेट है, और यहां पर अभी फिलहाल काफी इंपॉर्टेंट एसबीआई ने सीधा सीधा 20 स्कीम्स के नाम यहां पर चेंज कर दिए हैं। तो उनको एक एक करके देखते हैं, इनमें काफी इंपॉर्टेंट स्कीम्स क्या होगा, ब्लू चिप फंड का क्या होगा, एसबीआई मैग्नम ग्लोबल फंड का, तो उसके बारे में भी यहां पर बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम यहां पर बात करें तो एसबीआई मैग्नम इक्विटी फंड जो एग्जिस्टिंग है, ये यहां पर 16 मई 2018 से ये सारे के सारे स्कीम्स के नाम आपको चेंज होते दिख जाएंगे। तो एसबीआई मैग्नम इक्विटी फंड सबसे पहला फंड है, वो अब यहां पर हो जाएगा एसबीआई मैग्नम ESG फंड। अब ये ESG फंड क्या होता है भाई? यहाँ पर जो आपको है, सबसे पहले तो ये थीमेटिक इन्वेस्टिंग आपको देखने को मिलेगा इस फंड में, कंपनीज में जो फॉलो होगा ESG थीम पे। अब ये ESG क्या होता है? E से एनवायरमेंट, S से सोशल और G से गवर्नमेंट। वहीं पर यहाँ पर SBI मैग्नम मल्टीप्लायर फंड जो है ये यहाँ पर अब चेंज हो जाएगा और ये यहाँ पर हो जाएगा SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड। इसके साथ SBI इमर्जिंग बिजनेस फंड जो है वो यहां पर हो जाएगा SBI फोकस्ड इक्विटी फंड। अब ये फोकस्ड जो रहेगा, ये एक फोकस फंड रहेगा जो यहां पर अपना इन्वेस्ट करेगा मैक्सिमम 30 स्टॉक्स अक्रॉस मल्टीपल स्पेस पे। तो यहां पर अगर हम बात करें अगले फंड की, तो SBI स्मॉल एंड मिड कैप फंड। अब इसका नाम था पहले SBI स्मॉल एंड मिड कैप फंड, अब सेबी के अगर हम नए कैटेगरी की बात करें तो सेबी का अगर हम नया कैटेगरी यहां पर हम देखेंगे तो यहां पर स्मॉल और मिड कैप नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। लार्ज और मिड कैप रख सकते हो आप, मिड कैप बस रख सकते हो, स्मॉल कैप रख सकते हो। तो पहले से ये नाम था स्मॉल एंड मिड कैप फंड, तो सारे ही फंड SBI का नहीं, चाहे कहीं का भी हो, अगर कोई फंड स्मॉल एंड मिड कैप है तो उसका नाम यहां पर चेंज होना पक्का है। और अब यहां पर ये हो गया है सिर्फ SBI स्मॉल कैप फंड, यानी कि आपका मैक्सिमम पैसा जो लगेगा वो यहां पर स्मॉल कैप की कंपनीज में लगेगा। तो यहां पर अब आपको क्लियर हुआ होगा कि क्यों यहां पर नाम चेंज हो रहा है, क्योंकि स्मॉल एंड मिड कैप रखा हुआ था और सेबी के नए सर्कुलर के अकॉर्डिंग ऐसा कोई कैटेगरी नहीं है। या तो आप मिड कैप रखो, या तो आप लार्ज एंड मिड कैप रखो, या तो आप स्मॉल कैप रखो। तो यहां पर इसलिए इसका नाम जो है स्मॉल कैप फंड हो गया, ये एक एग्जांपल था। वहीं पर SBI FMCG फंड जो है वो यहां पर हो जाएगा SBI कंजम्पशन अपॉर्चुनिटीज फंड। इसके साथ साथ एक SBI IT फंड, वही सेक्टर फंड, यहां पर इसका नाम हो जाएगा SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड। तो ये एक सेक्टर फंड रहेगा जहां पर आपका पैसा लगेगा टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी रिलेटेड सेक्टर्स में। वहीं पर एक और काफी फेमस फंड SBI फार्मा फंड, इसका भी नाम 16 मई से चेंज हो जाएगा और इसका जो नाम रहेगा वो रहेगा SBI हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड। तो ये वही है आपका जो सेक्टर फंड ही है, आपका जो पैसा लगाएगा वो हेल्थ केयर सेक्टर्स में लगाकर चलेगा। SBI मैग्नम बैलेंस फंड, SBI का बैलेंस फंड, काफी इंपॉर्टेंट बैलेंस फंड, इसका भी यहां पर नाम जो है वो यहां पर बदल दिया गया है। और ये तो बैलेंस फंड का तो खैर होना ही था, और यहां पर अब इसका नाम हो गया है SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड। यहां पर ये जो पैसा लगाकर चलेगा, ये लगाकर चलेगा ज्यादा से ज्यादा इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में, इसीलिए जो इसका नाम है यहां पर डायरेक्ट हाइब्रिड फंड यहां पर किया गया है। SBI मैग्नम इंस्टा क्लैश लिक्विड फ्लोटर जो फंड था, इसका नाम हो गया भाई SBI ओवरनाइट फंड। यहां पर इसका भी नाम यहां पर चेंज कर दिया गया है। ये यहां पर एक डेट स्कीम है जो यहां पर इन्वेस्ट करेगा ओवरनाइट सिक्योरिटीज में। वहीं पर SBI मैग्नम इंस्टा कैश फंड यहां पर हो गया है SBI मैग्नम अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड। ऐसे ही SBI रेगुलर सेविंग फंड, SBI मैग्नम मीडियम ड्यूरेशन फंड।
SBI कॉरपोरेट बॉन्ड फंड, यहाँ पर SBI क्रेडिट रिस्क फंड, ट्रेजर एडवांटेज, यहाँ पर है SBI बैंकिंग एंड PSU फंड। इसके साथ साथ जो आपको चेंज देखने को मिला है यहाँ पर, एक और काफी इंपॉर्टेंट SBI मैग्नम मंथली इनकम प्लान, ये यहाँ पर अब चेंज हो गया। अगर आप यहाँ पर लेते होगे मंथली इनकम प्लान SBI मैग्नम मंथली इनकम प्लान, तो उसका नाम आपको 16 मई से यहाँ पर चेंज दिखेगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। वो यहाँ पर अब हो जाएगा, ये थोड़ा अलग है, SBI डेट हाइब्रिड फंड, तो आपको ये बात ध्यान में रखना है। इसके साथ SBI मैग्नम मंथली इनकम प्लान फ्लोटर जो है वो यहाँ पर हो जाएगा SBI मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, और आखिरी में SBI प्रीमियर लिक्विड फंड, जो SBI का लिक्विड फंड है, ऑलमोस्ट लगभग सभी लोग यहाँ पर यूज करते होंगे, उसमें से ये जो प्रीमियर शब्द है ये यहाँ पर हटा दिया गया है, और वो यहाँ पर सिंपल है SBI लिक्विड फंड। तो यहाँ पर आपको ये बात भी ध्यान में रखना है कि 16 मई के बाद जो आपका जो प्रीमियर लिक्विड फंड है वो यहाँ पर बस लिक्विड फंड आपको दिखेगा। तो अगर हम बात करें काफ़ी इंपॉर्टेंट फंड्स की, जिनका यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं किया है SBI ने अपने जो फ्लैगशिप्स फंड है वो यहाँ पर, तो सबसे पहले बात करें कि SBI ब्लू चिप फंड जो है वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। दूसरी बात करें SBI मैग्नम मल्टी कैप फंड, यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का कोई चेंज देखने को नहीं मिला है। SBI मैग्नम मिड कैप फंड, यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी चेंजेस नहीं देखने को मिला है। SBI मैग्नम ग्लोबल फंड, भाई यहाँ पर इसमें भी कोई चेंजेस आपको देखने को नहीं मिला है SBI के मैग्नम ग्लोबल फंड में। SBI कॉन्ट्रा फंड, SBI मैग्नम यहां पर SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, SBI PSU फंड, SBI बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड, SBI इक्विटी सेविंग फंड, ये सब में आपको जो चेंजेस है वो आपको देखने को नहीं मिला है। तो इसकी जो लिंक है यहां पर, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहो तो इसमें से और जाकर देख सकते हो, और ये चेंजेस आपको 16 मई 2018 से देखने को मिलने वाले हैं SBI म्यूचुअल फंड में। ये सारे स्कीम्स जो है, लगभग 20 स्कीम्स के नाम इन्होंने चेंज किए हैं। तो ये जो म्यूचुअल फंड का नया कैटेगराइजेशन हुआ है, इसके ऊपर हमने ऑलरेडी आप बहुत सारे जो 2 से 3 वीडियो यहाँ पर सेबी की तरफ से आए थे सर्कुलर, उसको हमने डिटेल में आपको समझा दिया था, लेकिन अभी यहाँ पर फिर से सारे के सारे कैटेगरी को आपको एक बार अच्छे से बता देंगे कि क्या है कैटेगरी और क्यों ये चेंजेस हो रहा है। और जो भी चेंजेस हो रहा है हम आपको रेगुलरली यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं, चाहे हम बात करें मोतीलाल ओसवाल की, या हम बात करें यहाँ पर DSP की, या आज हम बात करें SBI की, आगे हम देखेंगे रिलायंस की तरफ से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चेंज हुआ है। तो सारे के सारे अपडेट्स जो है आपको यहां पर सबसे पहले मिल जाएंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप म्यूचुअल फंड से रिलेटेड ऐसे ही अपडेट्स आगे भी देखना चाहते हैं तो सब्सक्रिप्शन जो है वो बिल्कुल फ्री है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप ये वीडियो को कर दो लाइक। इसके साथ साथ अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स करके बता सकते हैं, और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। शेयर कीजिए यहां पर अपने फैमिलीज के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, व्हाट्सएप में शेयर करिए आपसे जैसे होगा तो यहाँ पर, ताकि और भी लोगों को पता चले। तो बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अपने किसी और वीडियो के साथ में।